हाँ हूँ, बहुत अहम नॉलेज है और जिसका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हम पहुंचाते रहें। एक मसला जो आम लोगों के साथ और सबके साथ दरपेश आता है कि नापाक कपड़ा होता है, उसको हम पाक कैसे करें। बहुत सारे हजरात हैं वो सिर्फ यही जानते हैं कि जो चीज नापाक हो जाए उसको जब तक हम तीन मर्तबा उसको निचोड़ेंगे नहीं, तीन मर्तबा खंगालेंगे नहीं, उस वक्त तक वो कपड़ा पाक नहीं हो सकता है। आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले आप ये जानिए कि क्या आपका पूरा कपड़ा नापाक है या कपड़े का कुछ हिस्सा नापाक है। और कपड़े का जो हिस्सा नापाक है या पूरा कपड़ा नापाक है तो उसमें नजासत कैसी लगी है? क्या ऐसी नजासत लगी है जो दिखने में आती है या ऐसी नजासत लगी है जो दिखने में नहीं आती है? अब दिखने में जैसी आती है, जैसे कि इंसान का पाखाना है, गोबर वगैरह, ये सब वो नजासतें हैं कि ये दिखने में आती हैं, और पेशाब वगैरह है, या फिर आज के दौर में हम देखें मनी वगैरह लग जाती है कपड़ों में, तो ये सब दिखने में नहीं आती है। तो दोनों के पाक करने का तरीका अलग है, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि अगर नजासत ऐसी लगी है कि जो दिखने में आती है, जैसे पाखाना लग गया है, गोबर वगैरह लग गया है, तो अब उसकी सूरत यह है कि जितने हिस्से में लगा है, ऐसा नहीं कि थोड़े से हिस्से में लग गया है तो आपको पूरा कपड़ा धोना पड़ेगा, नहीं, जितने हिस्से में लगा है उतने हिस्से को आप धोइए। अगर आपको मालूम है कि हाँ इतने हिस्से में ही लगा है तो आप सिर्फ उतने हिस्से को धोइए, क्योंकि उतना हिस्सा ही नापाक हुआ है, पूरा कपड़ा आपका नापाक नहीं हुआ है। अगर ऐसी चीज लगी है कि जो दिख रही है, ऐसी नजासत लगी है जो दिख रही है, तो उसके पाक करने का तरीका यही है कि उसको आप धोइए, जब उसके नजासत का असर खत्म हो जाए तो वह आपका कपड़ा पाक हो गया है। ये उस नजासत के बारे में बता रहा हूं कि जो नजासत दिखने में आती है, और जो नजासत दिखने में नहीं आती है, मसलन जैसे पेशाब वगैरह लग गया है या मनी वगैरह लग गई है, तो अब उसको पाक कैसे करें, क्योंकि ये चीज तो दिखने में नहीं आ रही है। तो आपको मैं बताऊं, इसमें भी आप देखिए कि क्या कुछ हिस्से में लगा है या पूरे कपड़े में लगा है। अगर आपको मालूम है कि थोड़े से हिस्से में लगा है, जैसे मसलन मैं आपको बताऊं, ये इसको आप समझ लीजिए पायजामा, आप फर्ज कर लीजिए कि ये पायजामा है आपका, और इतने हिस्से में जो है, इतने हिस्से में पेशाब लग गया है या मनी लग गई है, तो अब जितने जितना हिस्सा खाली है वो नापाक नहीं हुआ, बल्कि जितने हिस्से में लगा है सिर्फ उतना हिस्सा ही नापाक हुआ है। तो आपको बताऊं कि इसको आप पूरा धोने की, पूरा बाल्टी में डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि इतने हिस्से में लगा है, अब इतने हिस्से को आप उठाकर सिर्फ इतने हिस्से को पाक कीजिए। अब इसके पाक करने का भी तरीका आपको बताऊं मैं कि अगर आप जग वगैरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं और मल रहे हैं, तब तो आपको तीन मर्तबा डालना पड़ेगा पानी, और तीनों मर्तबा पूरी ताकत से निचोड़ें कि एक कतरा भी पानी ना बचे, फिर दूसरी मर्तबा डालें इसी तरह करें, फिर और तीसरी मर्तबा डालें इसी तरह करें। लेकिन आपको बताऊं साथ में कि जब आप एक मर्तबा डाले हैं, अब इसको निचोड़ लिए, तो अब इस कपड़े को साइड में रख दीजिए, क्योंकि अब आपके हाथ में जो ये पानी लगा हुआ है, ये पानी भी नापाक हो चुका है। तो आप अपने हाथ को धोइए, अब उसके बाद में फिर इस कपड़े को उठाइए, फिर पानी डालिए और उसको मसल दीजिए, फिर उसको उसको निचोड़िए इस तरह कि कोई कतरा पानी ना रह जाए, फिर आप रख दीजिए, फिर आप अपने हाथों को धोइए। अब तीसरी मर्तबा जब आप अपने इस चीज को धोएंगे तो आपका हाथ भी पाक हो जाएगा और आपका ये कपड़ा भी पाक हो जाएगा। ये उस सूरत में है जब आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल रहे हैं। और अगर आप बहते हुए पानी में डाल रहे हैं, जैसे कि आजकल हमारे घरों में नल वगैरह लगे रहते हैं, ऊपर टंकी लगी रहती है और नल से पानी आता है, तो उसकी धार खत्म नहीं होती है, तो वो बहते हुए पानी में है, उसको उसमें हुक्म यह है कि आप इस तरह उसके नीचे डाल दीजिए और उसको मसल दीजिए, उसको मसलते रहिए, जब आपको यकीन हो जाए कि हाँ नजासत खत्म हो गई है, तो चूंकि वो बहते हुए पानी के हुक्म में था, अब एक ही मर्तबा आप उसको धो दीजिए, निचोड़ दीजिए, आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। ये उस सूरत में है जब आपको मालूम हो कि हाँ नजासत इतने हिस्से में ही लगी है। और अगर आपको मालूम ही नहीं है कि नजासत कितने हिस्से में लगी है, जैसे मसलन
लुंगी वगैरह है, कभी इंसान को एहतलाम हो जाता है और वो नींद में रहता है, उसे खबर नहीं होती है कि कहाँ कहाँ जाके क्या क्या चीज लग गई है, या पेशाब वगैरह लग गया, अब आपको पता नहीं है कि वो पैजामे में या लुंगी में या सलवार में कहाँ कहाँ लगा है। तो अब उसके पाक करने का तरीका ये है, आसान तरीका मैं आपको बताऊं। जाहिर सी बात है इस तरह के अगर 3-4 कपड़े रहेंगे और उसको पूरी ताकत के साथ निचोड़ेंगे तो आपके हाथ जख्मी होने का अंदेशा है। तो आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि एक बाल्टी पानी भरिए और उसके बाद में आप अपने कपड़े को उस बाल्टी के अंदर बिल्कुल डुबो दीजिए कि कपड़े का कोई हिस्सा बाल्टी की सतह से ऊपर ना हो बल्कि पूरा पानी के अंदर हो। अब पूरे बाल्टी पानी में जब आपने उसको डाल दिया तो आप ऊपर से नल चालू कर दीजिए और थोड़ी देर पानी बाल्टी से बाहर गिरने दीजिए, बहने दीजिए। अब थोड़ी देर जब पानी बह गया तो अब आपका वो कपड़ा भी पाक हो गया है और उस बाल्टी में जो पानी है वो पानी भी पाक हो गया है क्योंकि अब वो बहते हुए पानी के हुक्म में हो गया है। ये उस सूरत में है जबकि आपको मालूम नहीं है कि नजासत कहाँ लगी है। और ये आसान तरीका आपको जब बहुत सारे कपड़े अगर इस तरह आपके नापाक हो गए हैं तो आप कोशिश करें कि आप इसी तरह कपड़े को पाक करें क्योंकि इसमें आसानी है। जैसे मसलन आपके 10 कपड़े नापाक हो गए, आपको मालूम नहीं है कहाँ कहाँ कौन कौन से नजासत लगी है, तो जाहिर सी बात है 10 कपड़े को 3 मरतबा आप निचोड़ेंगे, 3 मरतबा उसको खंगालेंगे हर कपड़े को 3-3 बार, तो आपके हाथ भी जख्मी हो जाएंगे और पानी की किल्लत वगैरह भी रहती है। तो बाल्टी में आप इतना कपड़ा डालिए कि जैसे बहुत सारा 10-15 जोड़ी एक बाल्टी में अगर आप डाल देंगे तो नीचे पानी जाएगा ही नहीं। तो इतने कपड़े एक बाल्टी में डालिए कि जितने कपड़े आसानी के साथ भीग सकते हैं, और उस कपड़े में उस बाल्टी में कपड़ा डालने के बाद आप नल को चालू कर दीजिए और पानी बहने दीजिए, फिर आप उस कपड़े को निकाल लीजिए, आपका कपड़ा वो पाक हो जाएगा। फिर जो कपड़े बचे हुए हैं उसको भी आप इसी तरह से पाक करें। और वो जो 3 मरतबा निचोड़ने का और 3 मरतबा खंगालने का जो हुक्म था वो हकीकत में आपको बताऊं उस दौर के लिए था जब पानी इस तरह चुल्लू वगैरह से उठा उठा कर डालते थे या पानी बहुत कम रहते थे और वो पानी जो है जग वगैरह से डालते थे, इस तरह नल वगैरह का सिस्टम नहीं था जो आज हमारे घरों में लगा रहता है, ऊपर टांकी रहती है और नीचे नल वगैरह लगे रहते हैं, इस तरह का सिस्टम नहीं था बल्कि उठा उठा कर डालते थे जिसमें धार नहीं होते थे। और हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं आज घरों वगैरह में इसमें धार होती है, तो इसके पाक करने का आसान तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है। नाजरीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हम आपसे फिर गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों अहबाब को हमारे चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो। आज के इस नॉलेज में इतना काफी, इंतजार करें फिर नए नॉलेज के साथ हाजिर होंगे। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।